हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRB इंफ्रा पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ हालांकि हमारा जो मार्केट है निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिली। रीजंस क्या हैं डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। यहाँ पे आप सभी को पता है स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। अब आज हमें गिरावट फिर से देखने को मिल रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहले बात करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉक की पी है वो 63 हो चुकी है, हालांकि इंडस्ट्री पी 22 की है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये स्टॉक काफ़ी हाई प्राइस पे है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, स्टॉक ने एक साल में 133% के रिटर्न दिए हैं अच्छे खासे। देखो, यहाँ पे ओनली प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में चली हुई है, कोई ऐसी न्यूज़ नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि रिकवरी का अभी चांस था कि भाई, क्योंकि नेगेटिव अपडेट्स बंद हो गई हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी जैसे आज मार्केट में देखने को मिली इसमें भी देखने को मिले। नहीं, फिर भी इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पे ओनली प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये गिरावट आगे तक रह सकती है। मैं ये नहीं कह रही झट से नीचे जाएगा, नहीं, लोअर लो बनाता हुआ डाउन साइड आएगा, और ये 49.25 तक ये स्टॉक आता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले, लेकिन स्टॉक में अब प्रेशर बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और साथ ही में भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट थे इनके अच्छे आए थे, फिर भी गिरावट है, क्योंकि भाई यहीं पे RBI की तरफ से एक और अनाउंसमेंट हुई थी जो कि नेगेटिव अपडेट के बेस पे मैं कह रही हूँ। और साथ ही में मैं कह रही हूँ कि भाई जो स्टॉक है वो ओवरबॉट हो चुका है, तभी प्रॉफिट बुकिंग होके भी डाउन ये आने वाला है। अब भी आप डाउन के लिए इस स्टॉक में रेडी हो सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये भी नहीं है कि 100% ये डाउन ही आएगा। हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आए और ये अपसाइड चला जाए, लेकिन प्रेशर अभी बना हुआ है स्टॉक पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट पे ये आज है जो कि 62.90 का है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ये एक बार बीच में स्पॉट लेगा जो कि प्राइस होगा 55.90 का, और फिर ये 49 तक ये स्टॉक आपको आता हुआ नजर आएगा। अगर ऊपर साइड के लेवल हमें देखने को मिले तो 72.80 का इसका रिस्टेंस रहने वाला। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ऊपर के अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में अभी प्रेशर बनने वाला है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप इस स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।